जिस बुढ़े माँ बाप ने अपनी सारी उम्र गुजार दी उसे बनाने में, उस पत्थर दिल ने जरा भी देर न की ठोकर मार कर निकालने में। बारी आई कुछ कहने की, आदत हो गई थी चुप रहने की। दोस्तों, दो शब्द तसल्ली के नहीं मिलते इस शहर में, लोग दिल में भी दिमाग लिए घूमते हैं। आज के जमाने में दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। कौन आपको समझाए दर्द दिल में नहीं जिंदगी में है, जिसका इलाज न किसी वैद्य के पास है न किसी खुदा के बंदगी में है। बदलते नहीं हूँ तो लोग बस बुढ़े हो जाते हैं, बदल जाते हैं कभी कुछ लोग जो ठोकर खाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बुढ़ों की महिमा की एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, एक लड़की से बहुत प्यार करता था। तो उन दिनों की बात है, उनके घर वालों ने शादी तय कर दी, लेकिन लड़की के घर वालों ने एक शर्त रख दी। तो लड़कों वालों ने कहा कि क्या शर्त है? तो लड़की वालों ने कहा कि ये शादी तभी होगी जब बारात में एक भी बुढ़े नहीं आए, बुढ़े नहीं आना चाहिए। तो लड़कों वालों ने कहा कि ठीक है, बुढ़ों को मना कर दिया जाएगा, वैसे भी वो करते क्या है, घर पे पड़े रहते हैं, बैठे रहेंगे। तो कुछ दिन बाद बारात आने वाली थी, तो लड़कों वालों ने सभी बुढ़ों से कहा कि आप लोग इस बारात में ना जाएं, क्योंकि लड़की वालों का शर्त है कि बारात में एक भी बुढ़े नहीं आना चाहिए। तो सभी बुढ़े तो मान गए, लेकिन एक बुढ़ा नहीं मान रहा था। वो बोला कि भले ही आप लोग मुझे ट्रेंच या पोटली में बंद कर ले चलो या कुछ भी में बंद करके ले चलो, लेकिन मुझे लेकर चलो। तो इन लोगों ने कहा, बुढ़े को पोटली में बंद कर दिए और ले गए। तो इन लोगों ने बुढ़े को पोटली में बंद करके गाड़ी पर लाद दिए और ले गए। बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची, तो लड़की वालों ने बोला कि एक और शर्त है। तो लड़कों वालों ने कहा, अब क्या शर्त है? तो लड़की वालों ने कहा, शादी तो यह हो जाएगी, लेकिन आप लोग जिस नदी को पार करके आए हैं, उस नदी में पानी की जगह दूध बहाना होगा, तभी यह शादी होगी, नहीं तो बारात वापस जाएगी। अब क्या? लड़के वालों ने सोचा, पानी की जगह दूध तो बहा नहीं सकते, अब बारात वापस ही जाएगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुढ़े को पोटली से निकाल दिया जाए, उसका दम घुट रहा होगा। तो बुढ़े को पोटली से निकाला गया और कहा गया कि अब बारात वापस जा रही है, चलिए घर चलते हैं। बुढ़े ने कहा कि क्या हुआ, क्यों जा रही है बारात वापस? तो लोगों ने कहा कि लड़की वालों का एक और शर्त है कि जिस नदी को पार करके हम लोग आए थे, उस नदी में पानी की जगह दूध बहाना होगा। तो बुढ़े ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए बारात वापस जाएगी? जाकर कह दो उन लड़की वालों से कि दूध की व्यवस्था हो गई है, आप लोग नदी के पानी को खाली करा दें, तो हम दूध का बहाना शुरू करें। तो संदेशा लड़की वालों के यहाँ पहुँची कि जी ऐसी ऐसी बात है। लड़की वालों ने कहा कि पक्का पता करो कि कोई बूढ़ा आदमी आया है, इनमें तो बूढ़ों की महिमा है, आप सभी को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इन सबके पास कुछ नहीं बहुत कुछ होता है जो आपके पास नहीं होता है, और सबसे बड़ा चीज इन लोगों के पास होता है अनुभव। उम्मीद करता हूँ कि ये बुढ़ों की महिमा, ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, नई सोच के साथ।